विधानसभा में की है। बीरनपुर हत्याकांड का मामला आज विधानसभा में साझा विधायक ईश्वर साहू ने उठाया है। बता दें कि ईश्वर साहू बीरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। बीजेपी के टिकट पर वे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा में आज इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चा हुई है। विधायक ईश्वर साहू ने मामला उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की मांग कही गई थी। क्या सरकार इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी? इस पर गृह मंत्री शर्मा ने सदन में घोषणा की है कि वीरनपुर मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। आप सीबीआई की जांच की मांग में पिछले सरकार से भी मांग रख रहे हैं, लेकिन पिछले सरकार के नीति ठीक नहीं रही से तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे हूँ तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी से कि सीबीआई जांच कराई जाए। आज जाके मोला मुर दिल संतुष्ट हो, आज दिल मुर दिल शांति मिली। बीरनपुर का विषय है और ईश्वर साहू जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं। ये कैसा दैवीय संयोग है, ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत है, कितना सशक्त हमारा लोकतंत्र है। उनके बेटे की हत्या हुई है हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहाँ तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाएगा। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया आज इसकी।